हेलो एवरीवन, आज हम अपनी इस वीडियो में मैच स्टिक से एक बहुत ही सुंदर फ्लावर बनाना सीखेंगे। इस फ्लावर को सीखने के लिए आप यह वीडियो कंप्लीट देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमने लगभग 100 मैच स्टिक्स का प्रयोग किया है। चलिए पहले हम अपनी मैच स्टिक्स को निकाल लेते हैं बॉक्स में से। हमने दो मैच बॉक्स में से स्टिक्स निकाले हैं। अब हम सीजर की सहायता से मैच स्टिक्स के टॉप पार्ट को कट करके अलग कर देंगे। देखिए कटिंग होने के बाद ये इस तरह की दिखाई देगी। इस तरह के क्राफ्ट स्टिक्स भी मिलते हैं, अगर आपको क्राफ्ट स्टिक्स मिल जाए तो बेटर है, अदरवाइज आप इस तरह से मैच स्टिक्स की सहायता से भी आप ये स्टिक्स बना सकते हैं। तो चलिए एक बार हम अपनी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। सभी स्टिक्स के टॉप पॉइंट के कट होने के बाद हम एक रफ पेपर की सहायता से कुछ स्ट्रिप्स कट करेंगे। इस फ्लावर को बनाना बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि यह फ्लावर किस तरह से बनाना है। हमने रफ पेपर से स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब हम फेविकोल की सहायता से अपनी मैच स्टिक्स को इस पेपर के ऊपर पेस्ट करेंगे।
फेविकोल को हमने अच्छी तरह से पेपर पर लगाना है, जिससे हमारी मैच स्टिक्स अच्छे से पेस्ट हो जाएंगी। फेविकोल लगने के बाद हम अपनी इस पेपर स्ट्रिप पर मैच स्टिक्स पेस्ट करेंगे। इन मैच स्टिक्स की सहायता से ही हम अपने फ्लावर के लिए पेटल्स बनाएंगे और एक पेटल में हम यहाँ पर 8 मैच स्टिक्स का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिए हम यह किस तरह से पेस्ट कर रहे हैं, आप भी इसी प्रकार पेस्ट करने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर इन स्टिक्स को डायगोनली पेस्ट कर रहे हैं, मीन्स थोड़ा सा जो पहले वाली स्टिक है दूसरे वाली स्टिक उसके थोड़ी सी नीचे की तरफ हमने पेस्ट की है। ऐसे ही हम सभी स्टिक्स को पेस्ट करेंगे। इससे हमें स्टिक्स को बाद में कटिंग करने में आसानी रहेगी। देखिए अगर आप चाहें तो इसको आप सीधे रो में भी पेस्ट कर सकते हैं, मीन्स इस तरह से डायगोनल ना पेस्ट करके आप इसको सीधा भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें डिजाइन में कटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इनको इस तरह से पेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक पेटल के लिए 8 स्टिक्स का प्रयोग किया है, मीन्स 8 तीलियों का प्रयोग किया है। आप अपने अनुसार इनका प्रयोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने एक पेटल के लिए 8 तीलियाँ यहाँ पर पेस्ट की हैं। ऐसे ही हमें अपने एक फ्लावर में 8 पेटल्स बनाने हैं, तो हमें इसी प्रकार से 8 पेटल्स के लिए तीलियां यहाँ पर पेस्ट करनी है। ध्यान से देखिए इस फ्लावर को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि यह फ्लावर किस तरह से बनाया जाएगा। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और बिना स्किप किए देखिए। यहाँ पर देखिए हमने दूसरे पेटल के लिए भी 8 तिलियों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से हम और भी पेटल्स के लिए तिलियाँ पेस्ट करेंगे अपनी। इसके बाद हम यहाँ पर तिलियों के ऊपर भी फेविकोल पेस्ट लगाएंगे, जिससे हमारी तिलियाँ बिल्कुल अच्छे से पेस्ट हो जाएंगी और ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। सभी तिलियों पर हमने इस तरह से फेविकोल लगाना है ताकि इनके जो ज्वाइंट्स हैं बीच में उनमें अच्छे से फेविकोल चला जाए और वो अलग न हो। तो चलिए एक बार हम जल्दी से अपने पेटल्स के लिए तिलियां पेस्ट कर लेते हैं।
हमने अपनी सभी तिलियों पर फेविकोल लगा दिया है। अब हम इनको कुछ समय के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे, जिससे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, और उसके बाद हमने अपनी इन तिलियों से पेटल्स को कट करना है। फ्लावर के पेटल्स के लिए तिलियाँ पेस्ट करने के बाद हम एक दूसरी स्टेप पर फ्लावर के पत्तियों के लिए तिलियाँ पेस्ट करेंगे। हमें इन तिलियों को उसी प्रकार से पेस्ट करना है जिस तरह से हमने फ्लावर पेटल्स के लिए तिलियों को पेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर हम एक पत्ती के लिए 6 तिलियों का प्रयोग करेंगे। हमने फ्लावर पेटल के लिए 8 तिलियों का प्रयोग किया था, लेकिन हम यहाँ पर 6 तिलियों का प्रयोग करेंगे। हमने अपने इस फ्लावर के लिए 3 पत्तियाँ बनाई हैं। पत्तियों के बाद हम यहाँ पर कुछ और मैच स्टिक्स पेस्ट करेंगे। इन मैच स्टिक्स का क्या प्रयोग होगा हम आपको ये आगे बताएंगे। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ में कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन जरूर ऑन कर लीजिए। हमारे सभी पेटल्स बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो गए हैं। अब हम इनको सीजर की सहायता से कट करेंगे। अपनी पत्तियों को भी और पेटल्स को भी हमें सीजर की सहायता से कट करना है। ध्यान से देखिए हम ये किस तरह से कट कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही कट करने की कोशिश कीजिए। हमें अपने पेटल्स के जो डायगोनली पेस्ट किया था, हम उनको इस डायगोनली पोजीशन पर ही कट करेंगे, और दोनों साइड से हमें इसको कट करना होगा। दोनों तरफ से हम इसको कट करेंगे। देखिए ये हमने एक पेटल कट कर लिया है अपना। बिल्कुल अच्छा पेटल बना है। इसी प्रकार से हम अपने सभी पेटल्स और जो हमारी पत्तियां हैं, जो हमारे फ्लावर की पत्तियां हैं, उनको भी कट कर लेंगे। तो चलिए एक बार हम अपनी सभी पेटल्स की और पत्तियों की कटिंग कर लेते हैं। हमने अपने सभी पेटल्स की कटिंग कर ली है। देखिए ये बहुत ही अच्छे से कटिंग हुई है। सभी की शेप हमें एक जैसी ही रखनी है, और साइज भी हमें एक जैसा ही रखना है। अब हमने जो लास्ट में सबसे लास्ट में स्टिक्स पेस्ट की थी, उस स्टिक्स की सहायता यहाँ पर से एक सर्कल कट करना है। एक बिल्कुल ही छोटा सा सर्कल होगा।
देखिए हमने सर्कल कट कर लिया है। इस सर्कल का प्रयोग हम अपने फ्लावर के सेंटर में पेस्ट करने के लिए करेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमें इसी प्रकार से अपने पैटर्न्स को पेस्ट करना है। यहाँ पर हमने सेंटर में पेस्ट करने के लिए एक सर्कल और तीन लीफ भी कट करके रख रखी हैं। इनमें पेस्ट करने के लिए हम अपनी हॉट ग्लू गन का प्रयोग करेंगे। यहाँ से देखिए हम किस तरह से पेस्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी पेस्ट करने की कोशिश कीजिए। इसको हमें थोड़ा डायगोनली पेस्ट करना है, मींस टेढ़ा पेस्ट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट हम इसको पेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमारे पास चार पैटर्न्स हो जाएंगे। हमने अपने सभी पैटर्न्स को टू के पेयर में पेस्ट कर लिया है, जो कि एक एरो की तरह दिखाई दे रहे हैं। अब हम अपने इन पैटर्न्स के साथ ही अपने फ्लावर को बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए हम ये किस तरह से पेस्ट कर रहे हैं। हॉट ग्लू गन की सहायता से ही हमें इनको पेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट पेस्ट नहीं करने हैं, हम इनको थोड़ा सा तिरछा पेस्ट करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ झुका करके हम इनको पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा ये टेढ़ा हमें पेस्ट करना होगा, जिससे हमारा अच्छी तरह से फ्लावर बन जाएगा। सभी को हमें एक साथ पेस्ट करना होगा इसी तरह से। इसको थोड़ी देर में प्रेस करके रखिए ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। हमारे यहाँ पर सभी पैटर्न्स पेस्ट हो गए हैं।
अब इसके बाद हम यहाँ पर जो हमने सर्कल कट किया था उसको अपने फ्लावर के सेंटर में पेस्ट कर देंगे। देखिए ये बहुत ही सुंदर फ्लावर लग रहा है। अब हम अपने सर्कल को अपने फ्लावर के बीच में पेस्ट कर देंगे। हमने यहाँ पर अपना सर्कल पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम एक ब्रांच लेंगे, आप किसी भी तरह की कोई भी ब्रांच ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, और इसको भी हम फ्लावर के साथ थोड़े ग्लूगन की सहायता से पेस्ट कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन जरूर ऑन कर लीजिए। देखिए हमने अपना फ्लावर को ब्रांच पर पेस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपनी लीफ को जो हमने कट की थी उनको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। हमें इनको ब्रांच के साथ पेस्ट करना है। ये बहुत ही सुंदर फ्लावर लग रहा है। देखिए हमने अपने सभी लीफ को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप चाहें तो एक तीन से ज़्यादा लीफ भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी लीफ पत्तियाँ इसमें लगाना चाहते हैं। देखिए यह एक बहुत ही सुंदर फ्लावर बना है। हमने ऐसे ही तीन फ्लावर बनाए हैं। देखिए जो हमारे थर्ड फ्लावर है इसमें हमने सभी मैच स्टिक्स का प्रयोग किया है, मींस इसकी जो ब्रांच है उसको भी हमने मैच स्टिक्स के ही बनाया है। अगर आप चाहें तो इसी तरह से मैच स्टिक से भी अपनी ब्रांच बना सकते हैं। इसके बाद हम अपने फ्लावर्स को रखने के लिए एक फ्लावर पॉट लेंगे। अगर आपके पास फ्लावर पॉट नहीं है इस टाइप में तो आप कोई भी डिस्पोजल कप ले सकते हैं। उसके बाद हम एक कार्डबोर्ड की सहायता से एक सर्कल कट करेंगे और इसका डायमीटर जो हमारा फ्लावर पॉट है या डिस्पोजल कप है उसके अपर पार्ट के जितना रहेगा, यानी जितना साइज हमारे फ्लावर पॉट के अपर पार्ट का है उसकी साइज का हम ये सर्कल कट करेंगे। कट होने के बाद हम अपने फ्लावर पॉट में या फिर डिस्पोजल कप में कुछ पेबल्स डाल देंगे, कुछ स्टोन्स डाल देंगे जिससे ये हैवी वेट हो जाएगा और ये गिरेगा नहीं। उसके बाद हम अपने जो सर्कल हमने कट किया था उसमें अपने फ्लावर्स के लिए कुछ होल्स बनाएंगे। यहाँ पर हम सीजर की सहायता से अपने
सर्कल में कुछ होल्स बना रहे हैं। अब हॉट ग्लू गन की सहायता से हम अपने इस सर्कल को इस अपने फ्लावर पॉट के अंदर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम अपने फ्लावर्स को भी इस फ्लावर पॉट के अंदर पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारे सभी फ्लावर्स तैयार हो गए हैं, वो भी फ्लावर पॉट के साथ। ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हमें उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।